कहते हैं जब गजानन भक्तों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो गणेश जी मॉडर्न हो जाते हैं। ऐसे ही इंदौर के चिंतामन गणेश मंदिर में गजानन व्हाट्सएप और फेसबुक से भक्तों की सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं, साथ ही हर तरह की मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आधुनिक जमाने के गणेश जी के कर लीजिए दर्शन, भगवान भी हो रहे हैं हाईटेक। गणेश जी करते हैं व्हाट्सएप से भक्तों की मनोकामना पूर्ति। ये है इंदौर के प्राचीन जूना चिंतामन गणेश मंदिर, जहां भक्तों की हर मुराद पूरी होती है और मॉडर्न जमाने के गणेश जी भी यहां भक्तों की सुनवाई चिट्ठी, टेलीफोन और अब सोशल मीडिया से भी करने लगे हैं। यहाँ भक्तों की गुजारिश पर पुजारी जी ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके साथ ही दूर दराज से आने वाले फोन कॉल भी पुजारी भगवान गणेश को सुनाते हैं, ताकि चिंतामन गणेश भक्तों की चिंताओं को हर लें। यहाँ आने वाले भक्त भी बताते हैं कि गणेश जी व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज की सुनवाई कर उनकी हर मदद करते हैं और उन्हें व्हाट्सएप पर ही समाधान देते हैं। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वो पहले चिट्ठी के द्वारा भगवान पर अर्जी चढ़ाया करते थे। जो आजकल के जो लोग हैं वो अब व्हाट्सअप, फेसबुक के द्वारा भगवान को अर्जी चढ़ा करते हैं, और जो अर्जी पूरी हो जाती है तो भगवान को जो उन्होंने मन्नत मांग रखी है, मांग रखी है, उसको पूर्ण करने के लिए जो भी उन्होंने बोला है वो प्रदान करते हैं भगवान को। हाँ, हम बहुत बार बाहर गए हूँ, मैं पंजाब गया हूँ, जब मैंने जैसे वहाँ से भगवान को बोला भगवान प्लीज़ हम मैच जीत जाएँ तो वो पूरी हुई है। तो मैंने यहाँ पर भगवान जी को नारियल चढ़ाए हैं, लड्डू करे हैं, वो मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है जो भी मैंने बोला है। पहले यहाँ पर शुरुआत हुई थी चिट्ठी के द्वारा, पंडित जी को पहले लोग भगवान पत्र लिख के भेजते थे कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है, और अब जो लोग हैं वो व्हाट्सअप, फेसबुक और फ़ोन पे ये बोल दे करते तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे ही गया था मेरी मम्मी, मतलब हमेशा यहीं पे लाती है कि मतलब हमेशा यहीं पे आता हूँ, मतलब मम्मी मतलब वो भी होता है और जब भी परीक्षा आती हूँ मैं व्हाट्सअप से मैं मैसेज कर देता हूँ कि बाबा हमारी ऐसी मनोकामना पूरी कर दो, तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है और जो मैं बोलता हूँ वो पूरा करते ही। हाँ, जैसे ही अच्छा कराएगा उनने तो 59 मैंने परसेंट बने के तो बोला था मैंने बाबा को, मतलब बाबा मैं वो पास कर दिया और 10वीं में वो पास करवा दिया उनने बाबा ने। हाँ, व्हाट्सअप से मैसेज करा था मैंने, कोई चिट्ठी से करता है, कोई व्हाट्सअप से करता है, कोई फेसबुक से भी करता है। यहाँ भगवान गणेश के 108 नामों को भी अंकित किया गया है, जिसे पढ़कर भक्त चिंताओं को दूर करते हैं, यानी यहाँ आकर हर कोई चिंता मुक्त भी हो जाता है। महिलाएं अपनी प्रार्थनाएं लेकर आती हैं और पूजन अर्चन करती हैं। जी, ये गणेश मंदिर में तो मैं बचपन से आ रही हूँ, मेरा मायका यहीं है, ससुराल मेरा राजेंद्र नगर में है, लेकिन वहाँ से भी हर बुधवार हम आते हैं। आज 20-21 साल से तो वहीं से आ रही हूँ मैं। हर प्रार्थना मेरी पूरी होती है, हर कोई भी इच्छा हो बस भगवान के दर्शन कर लो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और वैसे जैसे आजकल मोबाइल से भी हो रहा है, बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से फ़ोन आते हैं,
हम लोग का सौभाग्य कि हम यहीं के यहीं हैं तो हमारे दर्शन हो जाते हैं। इसी तरह बस भगवान की कृपा बनी रहे। मैं यहाँ करीब 15 साल से आ रही हूँ और हर मनोकामना पूर्ण हुई है। जो भी लेकर के आते हैं वो यहाँ पूरी होती है। 15 साल से आ रही हूँ मैं यहाँ पर, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने यहाँ बोला है कि वहाँ जाओ आप 5 बुधवार करो, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आके हर काम सिद्ध होता है, हर मनोकामना। जैसे कई बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती है तो हल्दी की माला पहनाते हैं, तो हल्दी की माला पहली पहनाते हैं, दूसरी पर तो उनका संबंध हो जाता है। मतलब बहुत चमत्कार है गणेश जी का, हर किसी की बहुत मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं कहती हमेशा ऐसे सदैव उनकी कृपा बनी रहे सब पर। मेरा शीला नरवरिया। खास तौर पर युवा भक्त यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इससे जोड़ते हैं ताकि चिंतामन गणेश जी उनकी तमाम चिंताओं के श्रमण कर सकें। हाँ, मतलब आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो जैसे पहले लोग जो होते थे वो अपने जो संदेश दूर से आ नहीं पाते थे यहाँ पे, पहले वो चिट्ठी से और इन सारी चीज़ों से अपने मतलब खत वगैरह पहुँचाते थे और यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पहुँचाते थे। लेकिन अब फिर धीरे धीरे मोबाइल का चलन हुआ, फिर मोबाइल से फ़ोन वगैरह आने लगे, फिर फ़ोन के माध्यम से यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं बताने लगे, फिर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती तो फिर उसके बाद आके प्रसाद चढ़ाते, दर्शन करके जाते। उसी तरीके से अभी फेसबुक और व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में है तो वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन मतलब फेसबुक के माध्यम से लाइव भी जाते हैं, वहाँ भी लोगों के मतलब अपने जो उनकी मनोकामनाएं रहती वो डालते हैं। व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारे ऑडियो मैसेज भी आते हैं, मनोकामनाएं आती है पंडित जी द्वारा यहाँ पे, फिर वो मनोकामनाएं भगवान के सामने रखी जाती है सारी चीज़ें, फिर लोगों मतलब रिस्पांस मिलता है, फिर उन लोगों को तो श्रद्धा बढ़ रही है। लोग मतलब काफ़ी अभी तो काफ़ी मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी काफ़ी लोग का मतलब आने लगे हैं। अभी जो पुराने जो हैं वो तो आ ही रहे, लेकिन उस माध्यम से और मतलब यहाँ पे अभी आने लगे। इसी तरह मॉडर्न गणेश जी मंदिर के पुजारी भी यहाँ की महिमा का बखान करते हुए इससे जुड़ी प्राचीन कहानियाँ सुनाते हैं और चिंतामन गणेश जी को आधुनिक जमाने के भगवान भी कहते हैं। गणेश उत्सव अपने आप में बहुत सारी चिंताओं को हर लेने वाले बहुत सारे ऐसे दिन लेकर आता है जो कि हमें गणेश आराधना के अभिन्न रंगों से परिचित कराता है। कुछ ऐसे ही आज अभिन्न रंग हम आपको बताने वाले हैं इंदौर के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर से। जी हाँ, मेरे पीछे आप जो चिंतामन गणेश भगवान देख रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और बड़ी सी बड़ी चिंता और तनाव जो है वो दूर हो जाता है। और भी इनके बारे में कई सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि आधुनिक ज़माने के गणेश जी हैं ना कि मॉडर्न गणेश जी हैं। तमाम बातों पर हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए मौजूद हैं यहाँ के पुजारी श्री मनोहर लाल पाठक जी, उनसे सीधी बात करते हैं। पाठक साहब, किस तरह से देखते हैं ये मंदिर? बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है, लेकिन आज के भक्त जो हैं वो इन्हें मॉडर्न ज़माने के गणेश जी कहते हैं। आप किस तरह से पूरे मंदिर के बारे में बताएं? ये जो मंदिर है बेटा, ये पूरा अपने परमारकालीन है और 1200 साल पुराना है। यहाँ पर ऐसा कई दफ़े ऐसा मौका आया है कि इसके ऊपर अटैक भी हुए हैं। जैसे औरंगजेब बादशाह आया था, उसने कई मंदिरों का तहस नहस कर दिया, मूर्तियाँ फेंक दी, खंडित कर दी है। यहाँ भी आया था, उसने अपने नकुचा तोड़ा, सांकल तोड़ी और यहाँ जब माथा टेका उसने तो उसको चमत्कार दिखा, माथा टेक के चला गया। आज भी मंदिर सही सलामत, मूर्ति भी सही सलामत है। इसके बाद अपने छत्रपति शिवाजी जो हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनके गुरुजी भी आए हैं और गुरुजी भी यहाँ ठहरे, उनके द्वारा हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी की हुई है। इसके बाद यहाँ पर अहिल्याबाई वो भी बिल्कुल यानी सब तरफ से परेशान हो गई थी, यानी उनके पति शांत हो गए, ससुर शांत हो गए और उनकी कम उम्र लड़का भी उनका शांत हो गया, कम उम्र में सारा राज्यभार उनके सर पर आ गया, तब भी वो यानी यहाँ विचलित हुए, तब वो यहाँ आए। उस टाइम वो हमारे पूर्वजों में से थे गुरुजी, उनके द्वारा उनसे जो शिक्षा दी गई है या जो उनको हिम्मत दिलाई गई है, तो अहिल्याबाई भी यहाँ आई है। इसके बाद और भी नेता लोग जो हैं, अब उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ, जो अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं क्या अभी मौजूद हैं, वो भी यहाँ से आए हैं, काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिला है, काफ़ी अच्छे हुए हैं। इसके बाद मंदिर यहाँ जो पहले था, पहले चिट्ठियों से कार्ड से शुरू हुआ था, कार्ड से शुरू होते होते फिर विदेशों से चिट्ठियाँ आने लगी, विदेशों से चिट्ठियाँ आने के बाद में अब मोबाइल आने लग गया, मोबाइल के बाद तो अब तो वो इतने गजानन जी महाराज के व्हाट्सएप के ऊपर उनका यहाँ से बैठे हुए हैं, कहीं विदेशों में दर्शन कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, और सारी मनोकामना होती है, जो उनकी दिक्कत होती है वो यहाँ भेजते हैं, वो परेशानी दूर होती है।
यहाँ पर कई भक्त आए हैं ऐसे हैं कि जो यानी जिनकी गोदियाँ खाली थी उनके गोदियाँ भी भरी गई है और ईश्वर की दया से आज उनके यहाँ बाल गोपाल खिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहा जा सकता है कि औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर हमला करने का विचार किया तो वो भी परास्त हुआ और होलकर राजवंश की देवी अहिल्या भाई मातोश्री उनके भी जो है संघर्ष के दौर में यही गजानन महाराज थे जिनकी कृपा बरसी और होलकर राजवंश ने इस मालवा और निमाड़ की धरती पर नेतृत्व को काबिज किया। वहीं हमें पंडित जी ने यह भी बताया कि आज के आधुनिक युग के बदलते परिवेश में फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में भक्तों के लिए इतने सरल और सहज हैं चिंतामन गणेश कि व्हाट्सएप पे जरिए उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, पुजारी जी उनकी प्रार्थनाएं गणपति जी के समक्ष रखते हैं और उनका समाधान होता है। पुजारी जी जाना चाहेंगे गणेश उत्सव है किस तरह से यहाँ पर जो है विशेष साज सज्जा की जाएगी, विशेष पूजन होगा और गणेश उत्सव के 10 दिन में किस तरह से चिंतामन गणेश भगवान जो है भक्तों की हर समस्या को हर लेंगे। बेटा यहाँ पर कल जो है कल यहाँ गणेश जी विराजमान होंगे तो फूलों का भी श्रृंगार होगा, मंदिर सजेगा फूलों से, 56 भोग लगेंगे, भगवान का श्रृंगार भी होगा, अभिषेक भी होगा। इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद 10 दिन तक 11 दिन तक हवन होगा, 10 दिन तक पूरा हवन होता है और अनंत चतुर्दशी 11वें दिन उसकी पूर्णा होती होती है। वैसे अभी आपने देखा होगा बाहर लगे हुए हैं तो यहाँ भंडारा भी होता है जो इस साल अभी 22 तारीख को भंडारा रखा है और भंडारा भी बड़ा विशाल होता है। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे वो भक्त जो इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं गणपति जी की पूरी महिमा के बारे में जान रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, जो भक्त यहाँ रोजाना आते हैं हर बुधवार को शीश नवाते हैं और जो नहीं आ पाते उनके लिए क्या खास संदेश होगा आपका? उनके लिए बेटा ये है कि जो जहाँ बैठे भगवान तो अंतर्यामी है क्या, उनको जहाँ से बैठ करके याद करेंगे और जो भी उनको मनोकामना या दिक्कत परेशान बताएंगे वो सब उनके लिए बिल्कुल दूर होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कहा जा सकता है कि आज के इस घोर कलयुग में हर व्यक्ति आपाधापी में लगा है, तनाव भरी जिंदगी का वो जो है सामना कर रहा है, ऐसे में चिंताओं को हर लेने वाले ये आधुनिक जमाने के गणेश जी हैं जो कि एक फोन कॉल पर, व्हाट्सएप के जरिए आए मैसेज पर या फेसबुक के जरिए भेजे गए मैसेज पर भी भक्तों की तमाम प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेते हैं और बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान पुजारी जी जैसा बताते हैं कि गणेश जी बड़े ही सरल ढंग से उसका समाधान और हल निकाल देते हैं। इंदौर के चिंतामन गणेश मंदिर से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News इंदौर।